अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एवरीडे फूड विद आयशा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टॉर्टिया रैप्स, जो कि आजकल टिकटॉक पर बहुत ही ट्रेंडिंग पर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं भी ट्राई कर लूँ। यहाँ पर मैं दो तरह के टॉर्टिया रैप्स बना रही हूँ। एक में हम चिकन की फिलिंग डालेंगे और दूसरे में हम बनाना, स्ट्रॉबेरी, न्यूटेला और पीनट बटर की फिलिंग डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे भी ये हैक बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी टच करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टॉर्टिया ले लिया है। इसको हम इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक नाइफ की मदद से इस तरह से कट लगा रही हूँ आधे टॉर्टिया पर, ताकि हम इसे इस तरह से फोल्ड कर सकें। एक साइड पर मैं यहाँ पर चिकन नगेट्स रख रही हूँ। इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा सा कट कर लिया है। चिकन नगेट्स के बजाय अगर आपके घर में लेफ्ट ओवर चिकन हो तो आप इसे श्रेड करके रख लें। दूसरे साइड पर मैं यहाँ पर कॉकटेल सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास कॉकटेल सॉस ना हो तो आप यहाँ पर केचप और मायोनीस का मिक्सचर भी लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ केचप भी डाल सकते हैं। ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। आप अपने टॉर्टिया रैप्स पर जो चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं वही डालें। तीसरे हिस्से पर मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। यहाँ पर भी अगेन, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। चौथे हिस्से पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सैलड डाल रही हूँ, जैसे कि सैलड लीव्स, बारीक कटी हुई गोभी और प्याज के स्लाइसेस। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। बस इतना सिंपल सा हमें इसे रैप करना है और इसे हल्का सा ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो इसे तवे पर भी हल्का सा सेक सकते हैं। बस चंद सेकंड के लिए इसे ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए, टॉर्टिया रैप हमारा अच्छे से ग्रिल हो गया है। आपने देखा ना इसे मैंने कितनी आसानी से बनाया है। चंद ही मिनटों में हमारा परफेक्ट टॉर्टिया रैप बनकर तैयार हो गया। अब हम स्वीट टॉर्टिया रैप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अगेन एक प्लेन टॉर्टिया ले लिया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हल्का सा और नाइफ की मदद से एक साइड पर कट लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक साइड पर बारीक कटे हुए बनाना स्लाइसेस रख रही हूँ। दूसरे साइड पर बारीक कटे हुए स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस रख लेंगे। एक साइड पर 1 टीस्पून न्यूटेला लगा लेंगे। चौथे हिस्से पर हम 1 टीस्पून पीनट बटर लगा लेंगे और इस पर थोड़े से पम्पकिन सीड्स डाल लेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, कोई भी नट्स डाल सकते हैं, और आपको ज़्यादा स्वीटनेस चाहिए तो इस पर हनी भी डाल सकते हैं। फोल्ड कर लेंगे इसे भी जैसा हमने पहले किया था। ग्रिल कर लेंगे हल्का सा सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए। ये देखिए, हमारा स्वीट टॉर्टिया रैप भी बनकर तैयार है। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। अगर आप टिकटॉक को फॉलो करते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और इवन लंच के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट आइडिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी।
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में ऐसी ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।